भोपाल की ओर से आ रही यात्री बस कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उसमें बैठे यात्रियों को चोटें आईं। कुछ घायलों का इलाज बुधनी के अस्पताल में हो रहा है, वहीं गंभीर यात्रियों को होशंगाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। होशंगाबाद से 7 किलोमीटर दूर बुधनी के गडरिया नाला के पास चल रहे सड़क के निर्माण के कारण सड़कों पर मिट्टी पड़ी हुई है, जिससे वाहनों के आवागमन में सड़क पर दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि होशंगाबाद जिला अस्पताल में 7 लोगों को लाया गया है, जिनमें से 2 मरीज गंभीर घायल हैं। क्या हो गया आपके साथ? एक्सीडेंट हो गया बस से। क्या कारण बता रहे हैं बस पर? बस वाले ये बता रहे हैं कि मतलब गाड़ी बचाने के चक्कर में बैठे थे, हमने देखा नहीं। कहाँ से आ रहे थे? कोरावर से। कहाँ जा रहे थे? होशंगाबाद। क्या हुआ आपके साथ? बस पलट गए। कहाँ पे? गडरिया नाले के आगे। कुछ लोगों को नुकसान हुआ, आपको लगी? हाँ लगी। अभी हमारे पास लगभग 7 मरीज आ चुके हैं, उसमें से एक जो अम्मा है उनका फ्रैक्चर है शोल्डर, और एक जो हेड इंजरी है फीमेल पेशेंट, जिनका एक्सरे कराया, उसके बाद बता पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। सर वैसे और मरीजों की क्या हाल है? बाकी सब ज्यादा सीरियस नहीं है, नॉर्मल। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ और कौन था? दोनों को चोटें आई हैं। दबंग न्यूज के लिए होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।